दोस्तों न्यूज तो आपको पता चल ही गया कि स्वामी जल्द ही अपने फोन में क्वालकॉम के द्वारा डेवलप किए गए नाविक सपोर्टेड चिपसेट को यूज करने वाला है। अगर आपको न्यूज नहीं पता चलिए मैं बता देता हूँ, स्वामी यहाँ पे बात कर रहा है इसरो के साथ में, और इसरो के साथ में ये बात फाइनल होने के बाद में जल्द ही आपको स्वामी के फोन में नाविक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये नाविक होता क्या है, क्या इसका सपोर्ट होगा, कैसे ये काम करेगा और हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अभी के समय में आपको एक ऑप्शन मिलता होगा अपने फोन में जीपीएस का, तो जीपीएस यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये जीपीएस काम कैसे करता है कि हम कुछ भी एक ट्राई करते हैं, जैसे कि आप गूगल मैप या किसी तरह का मैप ओपन करते हो तो आपको वहां पे दिखाता है आप कहाँ पे हो करंटली, आपको नेविगेट करना है कहीं पे जाना है तो आपको रास्ता बताता है कहाँ पे आपको कैसे जाना है। उसके अलावा आपने कुछ फूड ऑर्डर वगैरह किया है तो यहाँ पे आपको फूड ऑर्डर वगैरह के लिए भी आप देख पाते हो, ट्रैक कर पाते हो कि आपका कहाँ तक पहुंचा है फूड और कब तक आपको मिलने वाला है। तो ये सारे काम जीपीएस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे गाड़ियों में ज्यादातर इसे यूज किया जाता है नेविगेट करने के लिए, कहां से कैसे रास्ते में जाना है। तो अब यहाँ पे जो हम डिपेंड करते थे जीपीएस के लिए, यहाँ पे जो जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास है जो इसरो ने डेवलप किया यहाँ पे नेविक, जिसका एक दूसरा नाम है IRNSS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डिजिटल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब यहाँ पे नेविक इसका नाम क्यों दिया गया, तो हमारे पीएम ने इसका नाम दिया नेविक। तो नेविक का भी फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अब नेविक का काम क्या होगा, जीपीएस का ही अल्टरनेटिव होगा। जीपीएस जैसे यूज करते हैं हम अपने फोन में किसी भी तरह के काम करने के लिए, किसी तरह के नेविगेशन के लिए, तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव इसका रख सकते हैं नेविक को। अब नेविक आ जाता है जिससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर हम अभी जीपीएस को काम में लेते हैं, जीपीएस से क्या होता है कि जो जीपीएस के थ्रू हम अगर नेविगेट करते हैं तो जहां पे हम करंट खड़े हैं वहां से 20 से 30 मीटर दूर तक हमें बताते हैं, मतलब हम करंट यहाँ पे खड़े हैं तो हो सकता है जीपीएस को यूज करें तो आपको बताते कि 20 मीटर आगे खड़ा है या 20 मीटर पीछे खड़ा है, और वहीं पे अगर रोड के ये साइड खड़े हो तो हो सकता है बता दे कि रोड के वो साइड खड़ा है। तो मतलब ये थोड़ा मतलब अभी उतना एक्यूरेट नहीं होता जीपीएस, लेकिन अगर हम काम में लेते हैं नेविक को तो नेविक क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा जीपीएस के मुकाबले। यहाँ पे 5 मीटर की एक्यूरेसी दी गई है, मतलब आप यहीं पे खड़े हो तो 5 मीटर के अंदर ही बताएगा कि आप कहाँ पे हो, करंट आपका लोकेशन क्या है और आप किस तरह से नेविगेट कर सकते हो। तो ये नेविक जो है इसकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पे नेविक और भी काम कई सारे काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि नेविक जो है कि एक तो एक्यूरेसी बढ़ा देगा, उसके अलावा अगर आप कहीं जैसे कि मछुआरे पानी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए तो उनको भी यहाँ पे अलर्ट भेजेगा अगर वो नेविक को यूज करते हैं। अभी जैसे करंट बहुत सारे एप्लीकेशन जो एप स्टोर पे मिल जाएंगे तो वहां पे नेविक का सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए आपको अलग से एक डिवाइस लेना होता है जिससे आप नेविक को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको इनबिल्ट फोन में मिल जाता है ये ऑप्शन नेविक का, तो नेविक आप अपने फोन में यूज कर पाएंगे सारे एप्स को। तो अगर आप मछली पकड़ने को जाते हैं और अपने बॉर्डर को क्रॉस करते हैं पानी के अंदर तो आपको उनको अलर्ट आ जाएगा कि आप बहुत आगे चले गए हो या तो फिर किसी तरह का आपदा हो, तो उस आपदा से भी वहां पर निपट सकते हो, वापस आ सकते हैं। इसके अलावा आसपास के जो हमारे पास रीजन है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो ये सारे को भी हम नेविक के यहाँ पे जो सैटेलाइट सिस्टम का है इसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से हम नेविगेशन को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर नेविक की, तो क्या हमें अल्टरनेटिव मिल गया है जीपीएस का, क्या जीपीएस को रिप्लेस कर देगा नेविक? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नेविक है सिर्फ इंडियन रीजन के लिए है, मतलब यहाँ पे जो ऊपर 7 सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा ये सिर्फ इंडिया को कवर करते हैं, पूरे इंडिया को कवर करते हैं, ना कि पूरे दुनिया को। लेकिन जीपीएस की बात करते हैं तो जीपीएस पूरी दुनिया को कवर करता है। तो अगर हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो नेविक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे हमें जीपीएस को वापस यूज करना होगा। तो मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन ये मिल सकता है कि आप इंडिया में हो तो नेविक चलेगा, इंडिया से बाहर जाते हो, क्योंकि फोन तो यहाँ पे कोई इंडिया में रहकर हमेशा यूज नहीं करेगा, कोई बाहर जाता ही है, तो उनके फोन में अगर नेविक का सपोर्ट सिर्फ दिया जाता है तो वहां पे जीपीएस उनको चाहिए होगा अनदर कंट्री में, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव ये आ सकता है कि हो सकता है आपके फोन में दोनों ऑप्शन मिल जाए कि आप जैसा चाहे नेविक को यूज करना चाहे या जीपीएस को यूज करना चाहे, जहां पे उस तरह से आप स्विच कर सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन ये रहेगा कि आप इंडिया में रहेंगे तो नेविक चलेगा और इंडिया से बाहर जाते तो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा जीपीएस में, तो ये इसका अल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये है एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि हमारे जो खुद के बनाए हुए सैटेलाइट है उसे हम जीपीएस के तौर पे यूज करने वाले हैं, जीपीएस का एक अल्टरनेटिव हमें मिल गया खुद के तरफ से। तो यही था एक न्यूज और यही थी एक छोटी सी अपडेट, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को तब ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।